नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। धमतरी में महिला मोर्चा बूथ स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में नई उमंग, उत्साह और जोश भरने भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर पहुंची, जहां धमतरी महिला मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ी वेशभूषा, गजरा, सुता और करधन पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। जहां भाजपा धमतरी विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से बनवास झेल रही है, पौराणिक कथा में जब देवता असुरों को पराजित करने में असफल हो जाते हैं तो सभी देवता मिलकर मातृशक्ति का आवाहन करते हैं, वैसी ही स्थिति आज धमतरी विधानसभा में भाजपा की हो गई है, जहां इस बार जीत हासिल करने मातृशक्ति महिला मोर्चा का बूथ स्तरीय सम्मेलन किया गया, जहां केंद्र और राज्य की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर पर महिलाओं का गठन कर जन जन तक जाकर पहुंचाने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही। वहीं टिकट को लेकर धमतरी विधानसभा में माहौल गर्माया है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद अब तक भाजपा से धमतरी विधानसभा में महिला प्रत्याशी को मौका नहीं मिला है। इस बार महिला मोर्चा उम्मीद जरूर कर रही है कि महिलाओं को टिकट दिया जाए और धमतरी विधानसभा में जीत दर्ज कर छत्तीसगढ़ में चौथी बार भाजपा की सरकार बनाए। छत्तीसगढ़ में मेरा 3 दिन का ये प्रवास है और महिला मोर्चा की जो संगठनात्मक गतिविधियां है उसको बढ़ावा देने के लिए और इसके अलावा महिला मोर्चा द्वारा लोगों तक पहुंचाने की नई कुछ योजनाएं बनाने के लिए सोचने के लिए आज मेरा यहाँ पर प्रवास हुआ है। छत्तीसगढ़ में हमारा महिला मोर्चा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और चौथी बार फिर से सरकार बनाने के लिए अब महिला मोर्चा सज्ज हो गया है, तैयार हो गया है। हमने बहुत ही अच्छी योजनाओं का निर्माण महिला मोर्चा के अंतर्गत हमने लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने किया है। जैसे आपने कल देखा होगा कि कल हमने रायपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो महिलाओं के लिए अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है और उसके साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा जो योजनाओं का निर्माण किया गया है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने कल पहली बार रायपुर में बहुत अच्छी हमने बाइक रैली करी थी, जिससे हमने संदेश दिया था हमारे योजनाओं के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा महिलाओं को सम्मान देती आई है और देश में हम अगर पूरे देश में हम देखते हैं तो ये ऐसी पार्टी है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ही दिए हैं। इसके अलावा हमने ही आरक्षण का मुद्दा उठाया था, महिलाओं के आरक्षण के लिए हमने बहुत अच्छी कोशिश करी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी इन्होंने वो बिल भी लाया था पर विपक्ष ने हमें साथ नहीं दिया, इसलिए वो कर नहीं पाए। पर हमारा जो महिलाओं के बारे में जो हमारी सोच है वो बहुत सबके सामने है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हम इस बार भी छत्तीसगढ़ में अधिकाधिक महिलाओं को टिकट देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से महिला मोर्चा पूर्ण रूप से आने वाले चुनाव के लिए तैयार। अब तो पार्टी करेगी, संगठन करेगा, लेकिन हम महिला मोर्चा की हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह महिला मोर्चा काम कर रही है निश्चित रूप से महिला मोर्चा टिकट की भी हकदार है और जो भी महिला को टिकट मिलेगी पार्टी की पूरी महिला मोर्चा मिलके ये उनका दायित्व है कि निश्चित रूप से उसको जिताकर भी लाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से बूथ स्तरीय सम्मेलन रखा गया था जिसमें हमारे पूरे धमतरी जिला के जितने भी पोलिंग बूथ हैं सबकी हमारी जो महिला बहनें हैं वो सभी आई हुई थी और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा की श्रीमती रहाटकर जी, उनका आगमन हुआ था और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का आगमन हुआ था और उन सब लोगों ने आह्वान किया है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं बना रहे हैं उन सभी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार, लोगों को इसकी जानकारी दें और हमारे साथ में अधिक से अधिक महिला जुड़ करके मिशन 2018-19 की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए सभी बहनों को आह्वान किया गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।